पुलिस का कहना है कि गलत स्टंट ने पनवेल की लड़की को मार डाला। मूल रूप से कोटायम के चंगना सेरी के रहने वाली एक 20 वर्षीय युवती की रविवार सुबह पनवेल में इंडिया बुल्स आवासीय परिसर में एस्टर इमारत की 8वीं मंजिल से गिरकर मौत हो गई। दुर्घटना और जांच के 3 दिन बाद पुलिस का मानना है कि यह एक स्टंट था जो गलत हो गया था, जिसके कारण वह गिर गई। एमटी विश्वविद्यालय में फैशन डिजाइनिंग पाठ्यक्रम में द्वितीय वर्ष की छात्रा रोजमेरी निरी शनिवार को अपने दोस्त समित लंबू के 8वीं मंजिल के फ्लैट में थी, क्योंकि वे कॉलेज के एक प्रोजेक्ट के लिए एक लघु फिल्म बना रहे थे। वह खुद कॉम्प्लेक्स की एक और इमारत मैरीगोल्ड के 11वीं मंजिल पर रहती थी, लेकिन उस रात वह लंबू के घर पर रुकी थी। रविवार की सुबह 11 बजे सुरक्षा गार्ड ने नीरीज़ को परिसर में पड़ा देखा तो इसकी जानकारी लंबू को दी। पुलिस के मुताबिक तभी लंबू को गिरने की जानकारी हुई। जांच के दौरान पनवेल तालुका पुलिस को बालकनी के बाहर हिस्से में बेडशीट की अस्थायी रस्सी बंधी हुई मिली। आगे जांच करने पर उन्हें पता चला कि निरीज के अन्य सहपाठी 7वीं मंजिल पर रहते थे, जो उस समय साप्ताहांत के लिए बाहर थे। शनिवार को जब लंबू और अन्य दोस्त 8वीं मंजिल के फ्लैट में शूटिंग में व्यस्त थे, तो निरीज ने 7वीं मंजिल की बालकनी में चादर की रस्सी से घुसकर स्टंट करने की कोशिश की थी और फिर स्लाइडिंग विंडो खोलकर हॉल में घुस गया और बाहर आ गया। वह फिर मुख्य दरवाजे से 8वीं मंजिल के फ्लैट में वापस चली गई, जिसने सभी को आश्चर्यचकित कर दिया। हमारा मानना है कि वह शायद रविवार की सुबह भी उसी स्टंट का प्रयास कर रही थी और पकड़ हो जाने के बाद वह गिर गई। प्रथम दृष्टया कोई फाउल प्ले नहीं है और कोई सुसाइड नोट नहीं है, जांच जारी है, लेकिन अब तक हमने एक आकस्मिक मौत की रिपोर्ट दर्ज की है, पनवेल तालुका पुलिस स्टेशन के पुलिस निरीक्षक जगदीश सेलकर ने कहा। कोटायम के एक व्यापारी नीरज थॉमस की बेटी थी। केरल में उसका 17 साल का भाई और 6 साल की बहन है। परिवार पूरी तरह से बिखर गया है। वे दृढ़ता से मानते हैं कि आत्महत्या नहीं थी, लेकिन वर्तमान में वास्तव में क्या हुआ इसकी जांच करने के लिए मन में फ्रेम नहीं है। सनी जोसेफ पनवेल मलयाली समाज के उपाध्यक्ष और सेंट जॉर्ज चर्च के ट्रस्टी, जो लड़की को जानते थे।